Namaste Dippy fam, and welcome back to the channel. So how have you all been? Today is another weekend and तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस. तो सबसे पहले हमने शुरुआत की लंच से, और लंच के लिए हम लोग चले गए लेवली रोड, और वहाँ पे हम लोग गए जेस्ट रेस्टोरेंट पे. तो हमने आज के लिए लंच बुफे प्लान किया है. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की विद स्टार्टर्स. स्टार्टर्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक फिश, चिकन, वहाँ पे सूप भी थी. तो हमने दो नॉन वेज ऑर्डर किए थे और एक वेज. सो वेज के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी अच्छे थे. उसके बाद मेन कोर्स में हम लोग ने थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हमने टेस्ट की, और इसके बाद लास्टली डेजर्ट के लिए. सो डेजर्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे. बात करूँ रेस्टोरेंट की तो उसकी भी एम्बियंस काफ़ी अच्छी थी, रूफ टॉप पे है. तो या अगर आप बेंगलोर में हो और एक वीकेंड स्पेंड करना चाहते हो, आप यू कैन गिव इट अ ट्राई गोइंग देयर. ओके, सो लंच करने के बाद हम लोग निकल गए विटल मालिया रोड, और वहाँ पे है द बिगेस्ट लग्जरी कमर्शियल मॉल जो कि है यूबी सिटी. वहाँ पे हम लोग गए क्योंकि मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं कभी नहीं गई पहले. सुब्रो पहले भी जा चुके हैं. तो वहाँ पे थे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स लाइक लुई विटोन, उसके बाद माइकल कोर्स, बॉस, कोच, और ऐसे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स वहाँ पे. उसका जो एम्बियंस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और लग्जरी फीलिंग आ रही थी. ओके, सो उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर जहाँ पे इनकी एम्फी थिएटर थी, और वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छी लगी. वहाँ का जो एम्बियंस, सराउंडिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और साथ ही थे बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डिंग्स, टावर्स, और चारों ओर से थी खुली हवा. वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी थे खाने के लिए. तो ओवरऑल मुझे यूबी सिटी काफ़ी अच्छी लगी. तो यूपी सिटी से निकल के हम लोग निकल गए थोड़ी सी चाय पीने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी और हमारी मूवी के लिए अभी भी बहुत टाइम थी. तो हम लोग चले गए जयनगर. तो हम लोग पहुंच गए जयनगर, और यहाँ के चाय तलब बोल के एक शॉप थी, वहीं से हम लोग ने चाय पी शाम का. उसके बाद हम लोग चले आए फोरम मॉल जो कि कनकपुरा रोड में है. तो मेरे बेंगलोर के फ्रेंड्स को पता होगा कनकपुरा रोड कहाँ पे है. तो ये नई मॉल है, रिसेंटली ओपन हुई थी. ये मॉल मेरा काफ़ी फेवरेट मॉल है, और एक बेस्ट पार्ट है, मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग वहाँ पे आना जाना आराम से कर सकते हैं. तो मॉल में थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग चले गए फूड कोर्ट की ओर. तो सोचा कि रात का डिनर भी कर लेते हैं, क्योंकि मूवी का टाइम अभी और एक घंटे जैसे थी. तो हमने सोची कि डिनर कर लेते हैं. तो डिनर के लिए हम लोग आए हल्दीराम्स, और यहाँ का डिनर भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. तो हमने शुरुआत की चाट से, पानी पूरी और सेव पूरी. पानी पूरी काफ़ी अच्छी थी, अच्छी लगी उसकी टेस्ट, एंड ऑब्वियसली क्लीन और हाइजीनिक है. सो या वी हैव ट्राइड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैड पानी पूरी.
इसके बाद मेन कोर्स के लिए हमने ये जो राइस बॉल है वही मंगा ली। तो हमने ऑर्डर की थी जीरा राइस विद पनीर मखनी और एक हमने लिया था संपूर्ण थाली। ओके, सो डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थिएटर की ओर। तो ये रही PVR सिनेमाज। जस्ट लुक एट द लाइटिंग्स एंड द एम्बियंस हियर, आपको पूरी विंटेज वाली फीलिंग आएगी, एकदम ब्लिंगी वाली थिएटर जो है। इनकी वॉशरूम भी देख लो, क्या लाइटिंग्स थी। तो ये थी हमारी आइस थिएटर जो कि अभी तैयार हो रही है मूवी के लिए। सो थिएटर ओपन हो गई थी एंड दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स। वाओ, काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो दिस इज द आइस थिएटर और हम लोग देखने आए थे मूवी जवान। कौन सा फिल्म देखने आया? जवान। इतना साइलेंट है। सो कैसा लगा मूवी आफ्टर इंटरवल्स? अभी इंटरवल है, फर्स्ट हाफ तो अच्छा ही था, पता नहीं। लास्ट इंटरवल के थोड़े देर पहले मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ कुछ। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, मूवी ओके ओके जैसा ही लग रहा है। देखते हैं इसके आगे बात कैसा होता है। लेट्स सी। ओके गाइस, सो कल हम लोग व्लॉग एंड करना भूल गए, काफ़ी रात हो गई थी, सो इसीलिए अभी ये शूट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं आइस थिएटर का रिव्यू देने के लिए। ओके, आइस थिएटर इज इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस, राइट? यस। सो दैट इज़ द फुल फॉर्म। सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ऑडिटोरियम। तो जैसे हमने IMAX हम लोग देखते थे एंड 4DX, सो ये भी उसी तरीके का है। साउथ इंडिया में ये फर्स्ट आइस थिएटर है, आई थिंक दिल्ली में है, राइट? यस। और गुरुग्राम की कहाँ में मैंने देखा है, तो वो दो थी। और यहाँ पे एक जो साउथ इंडिया में है, बेंगलोर में है, वो भी फोरम मॉल, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो आइस थिएटर हमें अच्छी लगी। साउंड बहुत अच्छा था, जो पैनलिंग की हुई थी साइड्स में वो भी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि कलर्स चेंज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, राइट? आइस थिएटर के बारे में एक्सपीरियंस जो दीप्ति ने बोला कि हमारा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था साइड पे जो पैनल लगा रहता है ये आइस थिएटर का, मुझे लगा था वहाँ पे डिस्प्ले होगा मूवी के, जैसे कि फ्रंट में जैसे देखते हो वहाँ पे साइड में डिस्प्ले ऐसा करके भी आएगा, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। जो भी आप मूवी के स्क्रीन में, अगर वो रात का सीन हुआ तो थोड़ा सा इस साइड में डार्क हो जाएगा, अगर दिन का सीन हुआ उसके हिसाब से कलर सिर्फ साइड का दोनों का चेंज होता है, बस उतना ही था। तो साउंड आई थिंक डॉल्बी बट साउंड, यस यस साउंड था, बहुत अच्छा था। ओवरऑल अच्छी मूवी के लिए जा सकते हो, जाके आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो कैसा है क्या। तो हमने देखी थी जवान मूवी ऑल्सो। फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग थी, आई मीन सेकेंड हाफ वॉज इक्वली एंटरटेनिंग, बट मुझे तो फर्स्ट हाफ ही अच्छी लगी। और मूवीज़ के जो गाने थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, आई मीन काफ़ी एंजॉय कर रही थी मैं जो भी गाने थे
एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान तो अच्छा होना ही है, एक्शन वगैरह है, सो इट्स लाइक साउथ की मूवी इन हिंदी वर्जन, सो अच्छी थी। तुम्हारा अपना रिव्यू बता दो। ये जो मूवी है स्पेशल, मतलब मुझे भी लगा कि ये थोड़ा सा साउथ टच वाला मूवी है, तो आपको ये बॉलीवुड जैसा जो आप रेगुलर देखते हो ऐसे तो नहीं है, ये टोटली साउथ फिल्म, बस इस पे शाहरुख खान को दे दिया एक्ट करने के लिए। बट मूवी के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक उसके एक्शन मूवी जैसे थे, लाइक जैसे दीप्ति ने कहा, मुझे सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एंडिंग सीन में जैसे कि एक्शन ये सब जो दिखा रहे थे वो मुझे लिटरली अच्छा लगा। तो अगर आपको स्कोरिंग देना है 10 में कितना दोगे? मेरे हिसाब से मैं 7.5 दूंगा। मैं भी इसको अराउंड 7 ही दूंगी, वो भी गाने वगैरह के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आज मेरी बहुत सारी फर्स्ट एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हुई, जैसे कि जेस्ट में हम लोग पहली बार गए, हम लोग पहले कभी नहीं गए, उसके बाद हम लोग गए यूबी सिटी, वो भी मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी, काफ़ी सुना था मैंने यूबी सिटी इन लोग, जबकि कॉलेज टाइम में इन लोग जाके आए थे, बहुत पहले जाते थे हम लोग, मैं कहीं पे भी नहीं गई। के बाद हम लोग चले गए आइस थिएटर, सो आइस थिएटर का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो गया है। ओके गाइस, सो दैट्स इट, व्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं। आपको, आप लोग को व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, एंड आपकी एक्सपीरियंसेस अगर आप पहले गए हो तो मुझे ज़रूर बताइए ये सब जगह। So that's it guys, I'll meet you in the next video super soon, till then stay fit, stay healthy and bye-bye.